लखनऊ में किया गया फिल्म विजयानंद का प्रमोशन। ऋषिका शर्मा द्वारा निर्देशित यह फिल्म विजय संकेश्वर के जीवन पर आधारित है और इसे निहाल आर ने उनकी भूमिका निभाई है। एक्टर निहाल आर, डायरेक्टर ऋषिका शर्मा तथा प्रोड्यूसर आनंद संकेश्वर ने लखनऊ में फिल्म का प्रमोशन किया। कन्नड़ फिल्म उद्योग विभिन्न विषयों पर कुछ जोरदार कंटेंट पेश कर रहा है और विजयानंद भी ऐसी मूवी है जो काफ़ी संभावनाओं से भरपूर है। कन्नड़ भाषी फिल्म विजयानंद आगामी 9 दिसंबर को हिंदी, तमिल, तेलुगु तथा मलयालम समेत 5 भाषाओं में जारी हो रही है। इस फिल्म को UFO मूवीज़ द्वारा देश भर में वितरित किया जाएगा, जो इससे पहले रॉकेटरी 777, चार्ली, कार्तिकेन 2, बिंबिसार एवं प्रेम गीत 3 जैसी फिल्में वितरित कर चुके हैं। यह फिल्म VRL फिल्म्स का पहला प्रोडक्शन है। इसी तरह जैसे सब लोग बोल रहे हैं, फिल्म देखने के बाद आपको ये लगेगा कि सपने देखो तो बड़े में। नमस्कार सभी को, मेरा नाम निहाल है और विजयानंद फिल्म में मैं पद्मश्री डॉक्टर विजय संकेश्वर साहब की पात्र में दिखाई दूंगा। As the title suggests, विजयानंद is a combination of two names, विजय संकेश्वर सर एंड आनंद संकेश्वर सर। तो ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है एक इंसान की, जो मतलब एक ट्रक से लेके आज हिंदुस्तान की सबसे लार्जेस्ट लॉजिस्टिक्स कंपनी बनाए हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज ही इज फ्रॉम कर्नाटका, सो हम लोगों को ये इंस्पायरिंग स्टोरी सभी को मतलब पहुँचाने तक वी वेर डूइंग इट। सो 2019 से लेके हम लोग ये फिल्म पे काम कर रहे हैं एंड नाउ वी आर हियर रेडी फॉर द रिलीज। दिसंबर 9 को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है। सर 1950 से लेके 2015 तक, यू नो ऑल द अप्स एंड डाउन्स इन द लाइफ ऑफ विजय संकेश्वर सर एंड आनंद संकेश्वर सर, यू कैन सी व्हाई शुड यू वॉच दिस फिल्म। अगर आपके लाइफ में विजय चाहिए, इफ़ यू वॉन्ट टू बी दैट विजय, इफ़ यू वॉन्ट टू बी दैट इंस्पायरिंग पर्सन, प्लीज कम एंड डू वॉच दिस फिल्म इज वॉट आई वुड रिक्वेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू नो फिल्म एक बहुत ही बड़े स्केल में बनाया गया है और अनंतनाग सर है, प्रकाश बेलवाड़ी सर है एंड लाइक रविचंद्रन सर है, भरत बोपन्ना, सिरी प्रहलाद, मैं, ऑलमोस्ट मोर देन 150 कैरेक्टर्स आर देयर इन दिस सिनेमा। ओके एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, रवि वर्मा इज अ स्टंट डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। सो रवि वर्मा जी शायद आप सभी को पता है, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट बॉलीवुड नो स्टंट डायरेक्टर्स। एंड इमरान सरदारिया इज अ कोरियोग्राफर फॉर दिस सिनेमा। कीर्तन पुजारी इज सिनेमाटोग्राफर एंड गोपी सुंदर, हाँ अभी ट्रेलर देखने के बाद आप पहली बात उन्हीं के बारे में करेंगे। गोपी सुंदर इज अ वेरी बिग म्यूजिक डायरेक्टर देयर इन साउथ। उनका ये पहला कन्नड़ा फिल्म है बट ही बिलोंग्स फ्रॉम मलयालम इंडस्ट्री। तो ही इज अ 5-time नेशनल अवार्ड विनर म्यूजिक डायरेक्टर। तो उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक दिया है फिल्म के लिए। यस सर, दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। विजयानंद मूवी जो है दो लोगों का, मतलब विजय आनंद, विजय बोले तो पिताजी, जिन्होंने एक कंपनी VRL शुरू किए थे 76 में। तो एक ट्रक से उनका करियर शुरू होता है और वो भी चैलेंजिंग, और उस वक्त का ज़माने में आप अगर देखते हैं तो कोई इंटरनेट एरा नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, कोई एक लैंडफोन करने के लिए कितना तकलीफ था उस ज़माने से। बहुत हार्ड वर्क, बहुत डिसिप्लिनड तरीके से और बहुत चैलेंजिंग लेके इसको कंपनी को शुरू किया। तो धीरे 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 78, 1980, 81, 82 ऐसा दो ट्रक तीन ट्रक ऐसा ऐड करते गए कंपनी में। और 1990-91 में 100 ट्रक बना, 91-2 अभी आज तक इतने सालों में 30 साल में कंपनी 100 ट्रक से 5,500 हो गया। और हमारा ब्रांच लखनऊ में भी, कानपुर में भी, बहुत सारे उत्तर प्रदेश बहुत सारे जगह पे हमारा ब्रांच ऑफिस है। हम बेसिकली जनरल पर्सन जो मटेरियल्स होता है, FMCG, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, फूड आइटम, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ये सब हमारा ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट करते हैं। हमारा ऑफिस है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 1,050 से भी ज़्यादा हमारा ऑफिस है। 20,000 स्टाफ स्ट्रेंथ है। आई थैंक ऑल अवर स्टाफ मेंबर्स, अवर इन्वेस्टर्स, अवर फाइनेंशियर्स। और हम मीडिया में भी है, जो कर्नाटक से नंबर वन पेपर, लार्जेस्ट सर्कुलेटेड विजयवाणी है, उसको 2012 में हमने शुरू किया। 2 साल में उसको ब्रांड को नंबर वन खड़ा कर दिया। और हमारा दिग्विजय न्यूज़ चैनल है,
वो भी 2017 में शुरू, वो भी अच्छा कर रहे हैं व्यूअर्स, मोर देन एंटरटेनमेंट। अभी आप देखिए, अगर कुछ आप प्रीवियसली बायोपिक्स देखते गुरु MS धोनी, वो भी अच्छा खासा एक है बॉक्स ऑफिस में, बहुत अच्छा लोग एक्सेप्ट किए। अभी बहुत साल के बाद ऐसे एक बायोपिक आ रहा है जो मोर पर्टिकुलरली हमारा जो यूथ है, यंगस्टर्स है आजकल के, तो वो उनको एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। ऐसा जो हम बोलते हैं ना, नेवर गिव अप, मतलब छोड़ के नहीं देने का, मतलब अभी क्या करते हैं, बहुत सारे आपको भी मालूम है मेरे से ज़्यादा, 10वीं क्लास फेल होते, PUC2 फेल होते, कुछ अपने आप कर बैठे, ऐसा नहीं है ज़िंदगी, ऐसा नहीं है। आप चैलेंज लेके हार्डवर्क परिश्रम करो और उसको डिसिप्लिन बनाओ, तो आप किधर से किधर। ये फिल्म, मतलब जैसे बोलते हैं ना बायोपिक, मतलब ये डॉक्यूमेंट्री टाइप का बायोपिक नहीं है। ये विजय सर की कहानी ऐसी है कि कहानी बाई इट्सेल्फ थोड़ी कमर्शियल है, उसमें जो फिल्म देखते वक्त आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स, वो ऊपर नीचे जो चाहिए, वो इमोशनल रोलर कोस्टर जो चाहिए, वो सब वो कहानी में ऑटोमेटिकली है। उसको हमारी डायरेक्टर ऋषिका शर्मा मैडम ने थोड़ा और सिनेमैटिक, जो ये बोलते हैं ना, उसके हिसाब से प्रेजेंट किया है। गाना है फिल्म में और फाइट्स है और ये सब जो कहानी रियल में हुआ है उसी को लिया गया है, जैसे मैंने बोला, तो वो सिनेमैटिकली थोड़ा उसको थोड़ा प्रेजेंटेशन अलग होगा, बट वो जो भी हुआ है वो सच हुआ है। तो आपको फिल्म देखते वक्त ये डॉक्यूमेंट्री जैसे वो ऐसे बोरिंग वाला नहीं लगेगा। आप अभी ट्रेलर देखेंगे तो सबको लगेगा कि कितना जबरदस्त है और ऐसे कहानी, क्योंकि फिल्म एक बहुत बड़ा माध्यम है, ये बहुत लोगों को रीच होता है। और जैसे सर बोल रहे थे, हर किसी को फिल्म का शौक तो होता ही है, 99% पीपल आर ऑल दे लाइक टू वॉच फिल्म। तो ऐसे फिल्म के माध्यम से जब हम ऐसे कहानी बताते हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए सीमित ना हो, वो लोगों को इंस्पायरिंग हो, तो वो युवाओं के लिए बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा उठ के काम करने के लिए, अच्छे आदमी बनने के लिए। सो आई थिंक ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के हिसाब से नहीं, देश के लिए एक बहुत अच्छा सा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा थ्रू फिल्म कि हम इनके कहानी को लेके आए। अपने कैरेक्टर के बारे में बता दीजिए। मैं श्रीमती ललिता संकेश्वर मैडम के रोल में दिखाई जाती हूँ। मेरा नाम श्री प्रहलाद है, वो श्री पद्मश्री विजय संकेश्वर साहब की पत्नी है। उनका योगदान बहुत है इनके सक्सेस में, क्योंकि मैडम थी जो साहब विजय सर बोलते हैं खुद की, वो बहुत ऑड टाइमिंग्स में काम करते थे क्योंकि ये लॉजिस्टिक्स बिजनेस है। सुबह जाते थे और रात को बहुत देर से आते थे, शायद घर में 2-3 घंटे रुकते थे, लेकिन फिर भी उनको घर के बारे में चिंता कम थी क्योंकि मैडम थी घर पे, उनके बहुत सपोर्ट सिस्टम थी, उनके जो भी ऊपर हो नीचे हो कुछ भी हो उनके साथ साथ रह के आज ये जो एम्पायर बिल्ड हुआ है, उनका योगदान बहुत है। उनके पात्र में मैं दिखाई जाती हूँ। मॉडल सुपरस्टार दिस इज माय सेकंड फिल्म। ये जो फिल्म है विजय आनंद, इसमें मैं डॉक्टर आनंद सर रोल, आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ डॉक्टर आनंद संकेश्वर सर। टाइटल विजय आनंद, विजय एंड आनंद, ये जो कहानी है इट्स नॉट जस्ट अबाउट द इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ विजय सर एंड आनंद सर, ऑल्सो द बॉन्ड बिटवीन फादर एंड सन। वो दोनों साथ मिलके एक बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड किया, वो स्टोरी भी विल बी शोन इन द फिल्म। और मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ डॉक्टर आनंद संकेश्वर सर। आई वॉन्ट टू टॉक फ्यू थिंग्स अबाउट आनंद सर। एट द वेरी यंग एज ओनली ही स्टार्टेड टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। वेन ही वॉज 13 ही स्टार्टेड लर्निंग द वर्क प्रोसेस ऑफ द कंपनी, एंड वेन ही वॉज 16 वो कंपनी ज्वाइन किया। आफ्टर हिज इंटरवेंशन टू दिस कंपनी बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ हुआ, दैट शोज हिज हार्डवर्क एंड डेडिकेशन। और अपार्ट फ्रॉम हिज लीडरशिप क्वालिटीज, वो सोसाइटी को कॉन्ट्रीब्यूट करना भी बहुत चाहता है। और एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देना चाहता हूँ। इन 2016 अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर आनंद सर एक ऐप बनाया हुआ था मिस्ड पर्सन बोल के, सो वेर यू कैन अपडेट अबाउट जो कुछ whoever is missing, you can update the details in that particular app. Out of n number of apps, wo app ko Channel Deshpatin News ko bell icon dabakar subscribe, like aur share zarur karein.